नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में बातें जानेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइसेज हैं और कौन कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। हमारे एग्जाम में कई बार इस प्रकार का प्रश्न मिलता ही मिलता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को वेरीफाई करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऑप्शन से चूज करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस संदर्भ में खूब अच्छे से जानेंगे कि कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है और कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। तो मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल और कंप्यूटर और टीचिंग एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है और कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। हमारे पेपर में, एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक प्रश्न रहता ही रहता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, जो कि कंप्यूटर सेक्शन का टॉपिक है। डिवाइस, पहला जो इनपुट डिवाइस है वो दोस्तों क्या है, कीबोर्ड डिवाइसेस है। और कीबोर्ड डिवाइस में दोस्तों कौन सा टाइप है, 101 कीज क्वालिटी जो कीबोर्ड आता है, 101 बटन का क्वालिटी कीबोर्ड। उसमें दोस्तों, जब हम कीबोर्ड में कोई चीज टाइप करते हैं तो हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस टाइप करके देते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रदान करना इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, कि हमने उसे कोई इनपुट दिया, हमने कोई उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि वो हमें उसका आउटपुट प्रदान करे। तो दोस्तों देखिए, कीबोर्ड डिवाइस क्या है, जब हम टाइप करते हैं किसी भी चीज को तो हम कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें इसका आउटपुट कंप्यूटर के माध्यम से दे। हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो आशा करते हैं कि सामने वाला हमें इसका आंसर दे, तभी हम उससे प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न पूछना ही क्या है, इनपुट डिवाइस का काम है। तो कीबोर्ड डिवाइस क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। दूसरा डिवाइस आता है दोस्तों, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, जिसके अंतर्गत माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन आता है और टच स्क्रीन आता है। दोस्तों, माउस के संदर्भ में अब हम लोग बात जाने, पॉइंट, हम माउस से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी मॉनिटर पे कोई भी मेनू सेलेक्ट करते हैं कर्सर के माध्यम से। तो दोस्तों, माउस को हम कर्सर से ले जाकर के कोई भी अगर हमें मेनू सेलेक्ट करना होता है तो हम माउस से सेलेक्ट करते हैं। तो माउस कैसा डिवाइस होगा कि हमें वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है बाय सेलेक्टिंग, मेनू को सेलेक्ट करता है, तो मेनू को सेलेक्ट करता है कौन, माउस से हम सेलेक्ट करते हैं। और माउस में एक रोलर टाइप का लगा रहता है जो पेज को अप एंड डाउन करता है। हम पेज को ऊपर ले जाने के लिए कर्सर को तो हम ले जाते हैं, लेकिन और इजीएस्ट वे में हम पेज को कैसे फाइंड करें, उसमें दोस्तों एक ट्रैक बॉल लगा रहता है माउस में। और माउस में जो ट्रैक बॉल लगा रहता है वो दोस्तों उस पेज को, मॉनिटर के उस पेज को अप एंड डाउन करता है। तो ये ट्रैक बॉल का काम होता है कि उसे इनपुटिंग वो दे रहा है, वो उसे ऊपर करने के लिए कह रहा है, नीचे करने के लिए पेज को कह रहा है। ट्रैक बॉल की सहायता से ये कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों, जॉयस्टिक, बचपन में वीडियो गेम्स बहुत खेले होंगे, और जो लोग नहीं खेले हैं, कहीं भी कंप्यूटर की कोई भी दुकान होगी, अगर वहां वीडियो गेम का सेक्शन होगा तो आप देख सकते हैं कि बटन के द्वारा कोई चीज ऊपर नीचे दाएं बाएं करना जो होता है, वो कमांड देना होता है। वीडियो गेम्स में जॉयस्टिक की सहायता से हम वीडियो गेम्स में किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी कार्टून को या किसी एथलीट को हम कमांड देते हैं जॉयस्टिक की सहायता से। जो कमांड देते हैं वो जॉयस्टिक की सहायता से होता है, और जॉयस्टिक का अधिकतर यूज वीडियो गेम्स में होता है। तो वीडियो गेम्स में, वीडियो गेम्स को इनपुट देने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद दोस्तों आता है इलेक्ट्रॉनिक पेन, और इलेक्ट्रॉनिक पेन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज होता है, और उसको दोस्तों सेलेक्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज कर लेते हैं। दोस्तों, अब अगला आता है टच स्क्रीन। दोस्तों, जब टच स्क्रीन हम लोगों के पास, अब तो भारत में सभी के पास टच स्क्रीन मोबाइल होगा ही होगा, टच स्क्रीन में जब हम कोई चीज टच करते हैं तो हम मोबाइल को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई भी फाइल खोलने का या कोई भी प्रोग्राम खोलने का या कोई भी चीज करने का, जब हम उसको कमांड देते हैं तो वो मोबाइल उस कमांड को एक्सेप्ट करके हमें उसका रिप्लाई करता है। तो टच स्क्रीन कमांड देने का काम करता है, इसलिए टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है।
दोस्तों यहाँ टच स्क्रीन आया, ये दोस्तों पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के अंतर्गत ही आएगा। ये सारी डिवाइस माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पेन और टच स्क्रीन। दोस्तों इसके बाद है दोस्तों डिजिटाइजर। डिजिटाइजर दोस्तों क्या है कि जो हम डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को हम डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी दोस्तों इमेज हमें कंप्यूटर में अपलोड करना होता है या कोई टेक्स्ट हमें कंप्यूटर में डालना होता है, वो दोस्तों डिजिटल फॉर्म में डिजिटाइजर की मदद से वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में कन्वर्ट होके सेव हो जाता है। तो वह दोस्तों डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डिजिटाइजर करता है। तो डिजिटाइजर इमेज को और किसी भी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव करने का काम डिजिटाइजर करता है। इसलिए दोस्तों डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइस, ये क्या है दोस्तों, जैसे हम एटीएम कार्ड हम लेके एटीएम मशीन के पास जाते हैं और उसको हम एटीएम मशीन में स्वाइप करते हैं और लगाते हैं, तो वो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई वेरीफाई करती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कार्ड होल्डर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और दोस्तों हम वॉइस से बोल के ही कोई भी टाइपिंग कर लेते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट मोड पे टाइपिंग कर लेते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के माध्यम से। तो यह जो डिवाइस है वो हमें मदद करती है बाई हैंड ना टाइप करके हमारी वॉइस को सुन के ही टाइप करने में। तो दोस्तों एक प्रकार से ये कमांड प्रदान कर देती है हमारे मॉनिटर को या हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को, ये कमांड प्रदान करता है हमारे वॉइस को सुन के कमांड देता है। इसलिए दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों अगला जो डिवाइस आता है विजन बेस्ड डिवाइस। दोस्तों विजन बेस्ड डिवाइस क्या है, विजन बेस्ड डिवाइस दोस्तों जब हमारे कंप्यूटर में वेबकैम लगा होता है और हमारे मोबाइल में कैमरा लगा होता है, तो दोस्तों जो कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो वेबकैम होता है वो किसी इमेज को देख करके वेरीफाई करता है। तो वो क्या करता है, जो उस इमेज को सिलेक्ट करता है देख के, तो वो विजन बेस्ड डिवाइस है। क्या कैमरा, कैमरा किसी चीज को देख के ही वो सिलेक्ट करता है और उसको स्टोर करता है मेमोरी में। तो विजन बेस्ड डिवाइस कैसी डिवाइसेस में आएगी, तो इनपुट डिवाइस में आएगी। दोस्तों इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, जो हमें परिणाम देने वाली डिवाइसेस है। जब हम इनपुट देते हैं किसी मोबाइल को या कंप्यूटर को, उसके बाद हमें क्या परिणाम मोबाइल और लैपटॉप देता है, तो वो जो परिणाम देने का काम करते हैं वो दोस्तों जो हमें रिप्लाई या आंसर देने का काम करते हैं वो दोस्तों आउटपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये पांच चीजें आउटपुट डिवाइस में आती हैं। अब हम लोग क्रमशः संदर्भित करता हूं। तो देखिए मॉनिटर तो हम लोग को मालूम है कि कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। जब हम कोई चीज टाइप करते हैं तो उस पे आता है इमेज, अगर हम सेलेक्ट करके वो खोलते हैं तो मॉनिटर हमको प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर क्या हमको कर रहा है, वो चीज खोल के दिखा रहा है, मॉनिटर पे दिखा रहा है। इस एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। क्या है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों इसके बाद दूसरा आता है प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों क्या करता है, जब हमें कोई चीज फोटोकॉपी करना हो या कोई चीज हमें प्रिंट करना हो, तो वो किसी फोटोकॉपी को क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसी जैसा फोटोकॉपी वो निकाल के हमको देगा। तो वो हमें क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। इसलिए प्रिंटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, जो हमें आउटपुट प्रदान करे, जो हमें परिणाम प्रदान करे, वो आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर क्या होता है, अब देखिए प्लॉटर की बात आई तो प्लॉटर दोस्तों जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक बोर्ड पे कोई चीज हम सिलेक्ट करते हैं या हमें जैसे एक्स या वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पे कोई हमने रेखा खींची है और उसको दोस्तों हमें सुनिश्चित करना है, उसको और क्रमबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना है, तो वहां प्लॉटर उसको सुनिश्चित करता है, उसका आउटपुट कर देता है। कैसे, जब हम कोई ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन में काम आते हैं, कैड में जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं, जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो प्लॉटर की मदद से कोई भी चीज को बना लेते हैं। जो नक्शा बनता है घर का और डिजिटली फॉर्म में बनता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में प्लॉटर का यूज होता है। कोई भी दो रेखाओं को अपने आप से सुनिश्चित करके उस परिणाम को प्रदान करना, प्लॉटर उसकी मदद करता है। प्लॉटर हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। इसलिए प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों इसके बाद आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की दोस्तों बात करें तो स्क्रीन प्रोजेक्टर हमें, जो हम पेनड्राइव की मदद से प्रोजेक्टर में हमने
वीडियो डाली है वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके उस वीडियो को प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रोजेक्टर क्या हमें दे रहा है, एक प्रकार का आउटपुट, हमें एक वीडियो दिखा के हमें एक आउटपुट दिखा रहा है। इसलिए दोस्तों प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। दोस्तों देखिए, जब कभी हम लोग एटीएम मशीन पे जाते हैं तो वहां एटीएम कार्ड हम लोग स्वाइप करते हैं, तो एटीएम मशीन जब स्वाइप करते हैं तो वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, स्वाइप करते हैं तो अपने आप वो आउटपुट में हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये करिए, फिर आप ये बटन दबाइए। तो वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत होता है कि हमें किसी चीज का इंस्ट्रक्शन बाय डिजिटली फॉर्मेट में प्रदान करना, डिजिटली फॉर्मेट में कोई इंस्ट्रक्शन हमें प्रदान करना वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से होता है। इसलिए वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक प्रकार का आउटपुट है जो हमें आवाज के माध्यम से हमें कोई आउटपुट दे रहा है। जैसे दोस्तों जब कोई कोई ट्रेन आने वाली होती है तो हमें उसकी सूचना अनाउंस के माध्यम से प्रदान होती है, तो वो दोस्तों वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ही उस व्यवस्था को करती है। इसलिए दोस्तों वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक आउटपुट है।